आप इस लड़के को स्पिनर से खेलते हुए देख सकते हैं। इस बॉटल स्पिनर को बनाने के लिए आपको एक प्लास्टिक की बोतल, एक कैंची, एक सुई और अलग अलग रंग के सेलो टेप चाहिए होंगे। सबसे पहले आप करीब 10 सेंटीमीटर दूर पेंदे से एक छेद करें सुई से और फिर उसी लाइन में छोटी कैंची से बोतल को काट दें। इससे आपको नीचे एक कप जैसा प्लास्टिक का मिलेगा। इस कप पर आप चाहें तो बिल्कुल बराबर की दूरी की 10 रेखाएं अंकित कर सकते हैं और उसके बाद में रिम से लेकर के किनार से लेकर के पेंदे तक आप इन दसों की दसों लाइनों को काट लें। इन सब पंखुड़ियों की दूरी एक बराबर हो तो बहुत अच्छा होगा। पंखुड़ी काटने के बाद में आप उनको फैला लें, थोड़ा चपटा कर लें। इस तरह से बिल्कुल एक फूल दिखेगा, 10 पंखुड़ियों वाला फूल दिखेगा। अब इस पंखे को सुंदर बनाने के लिए, खूबसूरत लगने के लिए आप भिन्न भिन्न रंगों की टेप से पंखुड़ियों को सजा सकते हैं। उसके बाद एक बहुत ही जरूरी काम करना है, हर एक पंखुड़ियों को लेकर के आपको उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, थोड़ा सा मरोड़ना है, जिससे कि उसके अंदर एक वक्र आ जाए, एक कर्वेचर आ जाए और वो बिल्कुल एक पंखे के ब्लेड जैसा बन जाए। ये बेहद जरूरी है। अब देखिए, आपका प्लास्टिक का पंखा लगभग तैयार है। इसके पेंदों को देखेंगे तो थोड़ा बाहर की ओर फूला हुआ है, एक तरह से वक्र है, कॉन्वेक्स है, इससे घूमने में मदद मिलती है। अब आप उसके वक्र पेंदे को बोतल के मुंह के ऊपर रख दें और इस पूरी असेंबली को जैसे ही आप सीलिंग फैन के नीचे रखेंगे, हवा बोतल के की पंखुड़ियों से टकराएगी और ये पंखा फर फर करके गोल गोल घूमेगा। इस खिलौने की सबसे मजेदार बात यह है कि ये फेंकी हुई बोतल से बना हुआ है, इसलिए दुनिया का गरीब से गरीब बच्चा भी इससे खेल सकता है और इसका मजा ले सकता है।